हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दाविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। अगर आप भी NIS ओपन बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो 12वीं का और सब्जेक्ट ले रखा है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर हम पास कैसे होंगे, सब्जेक्ट ये ले तो लिया है लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत कम टाइम बचा है और एग्जाम सर पर है, हफ्ते 10 दिन महीने भर का टाइम बचा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। जिन बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे, जिससे कि वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ले आए, तो मैंने ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है। राजनीति विज्ञान पेपर कोड है आपका 317, क्लास है आपकी 12th, बोर्ड है आपका NIS ओपन, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके मैंने उत्तर नहीं दिए हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और बहुत से क्वेश्चनों के मैंने आंसर दे दिए हैं जिससे कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, और एक बात मैं आप लोगों को लगे हाथ और बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं याद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों को ही पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन, एक नंबर का भी अलग से कहीं और से नहीं देखना, नहीं याद करना, किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखकर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतार लीजिएगा, याद कर लेना है, और इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर भी आपको ढूंढ लेने हैं जिससे कि आप लोगों के 100 में से 100 नंबर आ जाएं। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसका आंसर मैंने लिख दिया है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के मध्य अंतर बताइए, इसका आंसर भी आपके सामने है। राष्ट्र व राष्ट्रीयता का अर्थ स्पष्ट करें। प्रभुसत्ता की परिभाषा दीजिए, आंसर आपके सामने है। राष्ट्रीयता के दो प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, आंसर आपके सामने है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के नाम बताओ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों के महत्व की कोई दो बातें बतानी है। भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र क्यों कहा जाता है, और धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है। उसके बाद है, न्यायिक पुनरावलोकन से आपका क्या अभिप्राय है, जनहित के मुकदमों से क्या तात्पर्य है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कार्यों व स्थिति का वर्णन करो, पंचायती राज से आपको क्या त्रुटियां दिखाई देती हैं उन्हें दूर करने का सुझाव दीजिए, बहुदलीय प्रणाली की परिभाषा दीजिए, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, उपचुनाव क्या होता है उससे क्या तात्पर्य है, क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने के कोई दो सुझाव बताइए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर बताना है। उसके बाद एक दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या आप क्या सुधार सुझाएंगे, पर्यावरण शरण के बारे में आप क्या जानते हैं, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आप कौन से दो कार्य करेंगे, पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए, जाति प्रथा पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, और मानव अधिकारों के महत्व का वर्णन करें, 1971 के भारत पाक युद्ध के अमेरिका के भारत के प्रति क्या रवैया था, गुट निरपेक्षता के क्या उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, शीत युद्ध क्या था,
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है, एक ध्रुवीयता विश्व से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर नोट लिखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन करें, लोकपाल की भूमिका क्या है, लोकायुक्त से क्या तात्पर्य है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। उसके बाद आ जाइए सेट टू के रूप में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कहां मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उदाहरण भी दीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, एक नंबर में याद कर लेंगे। मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी, दो नंबर में याद कर लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से दो प्रावधान है, दो नंबर में याद करना है। मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए, दो नंबर में याद करना है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं, चार नंबर में याद करना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई दो अंतर लिखिए, चार नंबर में याद करना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन करिए, चार नंबर में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है, नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, पांच नंबर में याद कर लेंगे। राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है, साथ ही विभाजित भी किया है, कैसे, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां कौन सी हैं, पांच नंबर में याद करना है। राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है, एक नंबर में याद करना है। सेट थ्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेट वन सेट टू सेट थ्री के रूप में दिया है। मैं सोच रहा था कि वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके बना दूं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को तीनों पार्ट दे रहा हूं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है, दो नंबर में। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू किए जाने के क्या परिणाम होते हैं, दो नंबर में। जनमत के अर्थ और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों की संक्षेप में व्याख्या करना है आपको, पांच नंबर में। मार्क्सवाद की व्याख्या कीजिए, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, पांच नंबर में। समानता के अधिकार का विवेचन कीजिए, और ये लीजिए सारे क्वेश्चन उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और मजेदार वीडियो पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या परेशानी है। जो भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लगी ही होगी, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के अंदर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैं गॉड से प्रॉमिस करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय लवली स्टूडेंट। सो मैं भगवान से प्रे करता रहूंगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, और आप भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय।